नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको मॉड्यूलर किचन। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा सिंक का बॉक्स है और ये दूसरे बॉक्स में हमने दो बास्केट लगाई हैं। ये 8 इंच की प्लेन बास्केट है और ये 8 इंच की थाली की बास्केट है। और ये हमारा कॉर्नर का बॉक्स है। ये जो आपको कब्जे लगवाने हैं ये इबको कंपनी के लगवाने हैं। ये मेंढक के नाम से मिलता कब्जा, ये बहुत बेस्ट कब्जा होता है, इसमें जरा सी भी चिक नहीं होती। और ये जो हमारे दो बॉक्स हैं इनमें हमने 6 बास्केट लगाई हैं। ये 4 इंच की प्लेन बास्केट है, ये 6 इंच की प्लेन बास्केट है, ये 8 इंची प्लेन बास्केट है, ये भी 8 इंची प्लेन बास्केट है, ये भी 6 इंची प्लेन बास्केट है और ये 4 इंची में कटलरी बास्केट है। जो कटलरी बास्केट होती है हमारी वो गहराई में 4 इंची ही मिलती है और इसको आप चौड़ाई में बढ़ाकर ले सकते हैं। 15 इंची से स्टार्ट होती है, ये 2-2 इंची आपको बढ़कर मिल जाएगी। जैसे कि अब ये 15 है तो आपको 17-19 इस तरह से आपको बढ़कर मिल जाएगी। और जो इन बास्केट की लेंथ होती है वो 20 इंच ही आती है सभी बास्केट की लेंथ। और जैसे ये हमारी मल्टीपर्पज बास्केट हैं, ये जैसे ये है और ये बास्केट है, ये मल्टीपर्पज सामान के लिए होते हैं, यानी कि इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। और आपको ये गहराई में मैं आपको बता दूँ, ये 4 इंच से स्टार्ट होकर 8 इंच तक गहराई मिलेगी। पहले 4 इंच मिलेगी, फिर 6 इंच मिलती है, फिर 8 इंच मिलती है और गहराई आपको 20 इंची लेंथ मिलेगी। लेंथ में जो गहराई है आपको 20 इंची ही मिलेगी और जो इसकी चौड़ाई है वो आपको 15 इंची से स्टार्ट होकर 2-2 इंची बढ़कर मिल जाएगी। जैसे कि 15 के बाद 17 हुई, फिर 19 हुई, इस तरह से। और एक बॉक्स हमारा ये हो गया, इसमें हमने एक पार्टीशन दिया है। पार्टीशन ये हमारा ओपन है, आप इसे मूव करके नीचे भी रख सकते हैं। और फिर इधर एक ये हमारा बड़ा बॉक्स है, इसमें हमने ये सेल्फ लगाया, ये भी ओपन सेल्फ है, इसको आप हटा के नीचे भी रख सकते हो जिससे आप अपना बड़ा सामान रख सको कुछ। और ऊपर हमने ये दो बॉक्स बनाए हैं। ये हमारे बॉक्स 45 इंची और 22 इंची के हैं। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और बीच में हमने चिमनी लगाई है। ये देखिए, इनमें हमने एक सेल्फ दिया है। इसमें हमने बीच में इसमें भी सेल्फ लगाया है। और ये हमारी कैरी सेल की चिमनी है। और ये हमारा दूसरा बॉक्स है। सभी बॉक्स में हमने एक एक सेल्फ बीच में लगाया है और सेल्फ हमारे सारे ओपन है, आप इनको दूसरी जगह रखना चाहो नीचे रख सकते हो। इनको आप ऊपर से हटाकर नीचे भी रख सकते हो। और जो हमने इनमें ये कब्जे लगाए हैं, ये हाइड्रोलिक 3D कब्जे लगाए हैं। हाइड्रोलिक में ये होता है कि दरवाज़ा जैसे आप थोड़ा बंद करोगे वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, जैसे कि ये हो रहा है। और 3D में ये होता है, इसमें जो ये स्क्रू होता है इसमें अगर दरवाज़ा आगे पीछे करने के लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है और एक स्क्रू इस पर यहाँ पर दिया गया है, इससे दरवाज़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर घंटी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।